वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में, एक ऐसा कॉइन जिसने अगर आप पिछले कुछ टाइम का चार्ट उठा के देख लो, ग्राफ देख लो, पिछले कुछ टाइम का मतलब 3 साल 5 साल का भी अगर आप चार्ट उठा के देखोगे, इस कॉइन ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो गजब परफॉर्मेंस है। अगर 5 साल पहले भी इस कॉइन में एंट्री ली होती किसी ने और 5 साल आज तक भी होल्ड कर लिया होता तो काफी शानदार प्रॉफिट के अंदर होता वो। ठीक है, इसलिए कहते हैं मार्केट को टाइम दोगे, कुछ टाइम दोगे, साल का टाइम दोगे, 2-3 साल 5 साल, तो मार्केट आपको काफी अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। और ये कॉइन काफी बड़ा यहाँ पे एग्जांपल है। आज इस कॉइन की परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, क्या करंट प्राइस चल रहा है, आगे तक कितना प्राइस जा सकता है फ्यूचर में, और क्या कुछ फ्यूचर पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कॉइन ने करके दिखाया है। इस कॉइन की बात करें, इस कॉइन के नाम की बात करें तो BNB कॉइन है इसका नाम, और समझ गए होंगे बहुत सारे लोग बाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रिप्टो मार्केट में, और बाइनेंस नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो बाइनेंस का ही कॉइन है BNB कॉइन। ठीक है, अब BNB कॉइन 3rd नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, रैंक 5 है लेकिन 3rd नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। और BNB का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $296 पे। अगर आप देखें $296 23,600 रुपीज जो है अभी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर, 23,000 रुपए का जो है एक BNB कॉइन है मार्केट में। ठीक है, अब पिछले कुछ टाइम की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ टाइम में 5 सालों का भी अगर हम चार्ट देख लें, यहाँ पे 5 साल पहले ये कॉइन सिर्फ 2 रुपीज का था मार्केट में। जब बाइनेंस आई, बाइनेंस को भी 5th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया है, तो 2 रुपए का कॉइन था बाइनेंस का ये कॉइन, ओनली 2 रुपीज का कॉइन, और इसने पिछले साल ही मई 2021 के अंदर अपना ऑल टाइम हाई लगाया, वो भी 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का। अब आप खुद सोच सकते हो 2 रुपए का कॉइन 50,000 तक पहुंच गया। ठीक है, टाइम लगा, जरूर लगा, 2017 में 2 रुपए का था अक्टूबर के अंदर, और 2021 में 4 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न, 9,00,000% का रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं होता है, मार्केट से कुछ नहीं होगा, मार्केट की ये साइकिल जो आप देख रहे हो ये साइकिल पहले भी आई है। ठीक है, लेकिन इनके बाद जो बुल मार्केट आता है, बुल सीजन आता है, अगर आप जितना मार्केट में होल्ड कर लोगे ना किसी कॉइन को, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा ही देगा। अगर आप डिपेंड करता है कौन से कॉइन को आप होल्ड कर रहे हो, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 2 रुपए का कॉइन 50,000 पे पहुंच गया, BNB कॉइन अभी 23,000 रुपीज पे चल रहा है। अब आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर आप एवर ग्रीन क्रिप्टो करेंसीज में देख रहे हो ना कोई क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम तो है ही, कुछ टॉप के फंडामेंटल कॉइन्स भी, उनमें से बिटकॉइन इथेरियम के बाद अगर किसी कॉइन का नाम आता है ना इस टाइम पे मार्केट के अंदर, वो है BNB कॉइन, बाइनेंस कॉइन। और बाइनेंस कॉइन क्या हजारों डॉलर्स की जो रेंज है, अगर आप देखें $1,000 की बात करें, क्योंकि अभी इथेरियम भी नहीं पहुंच पाया, इथेरियम भी अभी आप देखो तो 4,000-5,000, मतलब इतना तो पहुंच गया लेकिन $10,000-20,000 इथेरियम के लेवल नहीं गया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बाइनेंस कॉइन जल्दी ही नेक्स्ट इथेरियम बन जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप इसको और भी लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लेते हो तो अगला इथेरियम भी बन जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे $296 है, तो $1,000-2,000 इतनी रेंज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बुलरन में भी ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, और ये इस चीज में डाउट मत रखिएगा क्योंकि मार्केट के अंदर BNB कॉइन की एक अच्छी लेवल है। सप्लाई की अगर हम बात कर लें, 165 मिलियन की सप्लाई है, और सबसे बड़ी चीज बाइनेंस के क्वार्टरली बर्न होते हैं, क्वार्टरली कॉइन्स बर्न किए जाते हैं, BNB कॉइन हर क्वार्टरली बर्न होता है, सबसे जरूरी चीज। 18,00,000 अभी रिसेंटली पिछले 2 क्वार्टरली बर्न हुए, एक में 18,00,000 बर्न हुए, एक में 19,00,000 के अराउंड जो है बर्निंग हुई है। तो इतने टोकन जो है, इतने BNB कॉइन्स जो है बर्न भी होते हैं हर 3 महीने के अंदर। ठीक है, हर क्वार्टर के अंदर, हर क्वार्टरली बर्न होता है, तो एक सबसे जरूरी चीज है कि बर्निंग भी यहाँ पे, बर्न मैकेनिज्म भी काफी अच्छा है बाइनेंस का, और काफी अच्छा फ्यूचर BNB का इसलिए भी है क्योंकि बाइनेंस की जो परफॉर्मेंस चल रही है, बाइनेंस के जो अप्रूवल्स मिल रहे हैं, बाइनेंस के जो यूजर्स हैं, आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे लोग क्रिप्टो में आएंगे तो बाइनेंस आने वाले टाइम में और भी बड़ी एक्सचेंज हो जाएगी ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में। अगर ये चीज होगी, बाइनेंस को पुश मिलेगा, तो BNB कॉइन को भी पुश मिलेगा ही मिलेगा, और काफी अच्छी रेंज हम इसकी भी देख पाएंगे अगले 5 सालों में, $10,000 या $20,000। ठीक है, BNB कॉइन भी हमको दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, अगर 5 साल में बिटकॉइन $1,00,000 का हो जाएगा
तो बीएनबी कॉइन भी हम इस रेंज में देख सकते हैं जो अभी $296 पे चल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जितना आपको डिप के अंदर मिले, अभी मार्केट और भी नीचे जा सकता है, सिनेरियोस दिख रहे हैं मार्केट के, लेकिन जितना डिप में मिले थोड़ा थोड़ा एसआईपी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई एवरग्रीन क्रिप्टोकरेंसी हो जिससे अच्छे रिटर्न मिले, हम उनको उसको होल्ड कर लें, तो बीएनबी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ठीक है, ₹2 का कॉइन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है और आगे भी देने वाला है, क्योंकि बाइनेंस का ही कॉइन है, तो बाइनेंस तो आपको पता है फिर काफी सारी चीजें बाइनेंस की हो रही हैं। आगे जो अपडेट रहेंगी बीएनबी को लेके, बाइनेंस को लेके, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीजें जो हैं समझ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज, मार्केट एक रिस्की मार्केट है, कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी रिसर्च बहुत जरूरी है, वो जरूर करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।